10th स्टैंडर्ड साइंस 1 थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो इसमें जो मैंने क्रॉस किया है ये रिड्यूस किया गया है, ठीक है। जैसे कैन यू रिकॉल, तो ये क्वेश्चन के आंसर्स यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर योर 10th। उसी तरह से यहाँ पे एक बॉक्स है वो भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, बट बॉक्स पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ मैं बेसिक आइडिया दूंगा। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो समझने से पहले चेंजेस समझते हैं। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। ये बॉक्स एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये 8th में भी तुमने पढ़ा होगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉक्स एग्जाम में नहीं आएगा, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बॉक्स चाहिए, ऑल राइट। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन तुमने ये 8th में पढ़ा होगा, इट्स ईजी। देखो दो टाइप के चेंज रहते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जो टेम्प्ररी हो या जो रिगेन वापस आ सकता हो उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जो परमानेंट होता है, एक बार ट्रांसफॉर्म हुआ वापस से रिटर्न नहीं आएगा, ईजली रिटर्न नहीं आएगा, ईजली पहले के जैसा नहीं होगा, इट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। जो ईजली रिगेन हो इट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज, जो ईजली रिगेन ना हो इट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल आइस इंटू वाटर, बर्फ़ पिघल के पानी बना, तो फिर से पानी से वो बर्फ बन सकता है, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है। खाना एक बार पक गया, खाना चावल दाल जो भी है वो कुक हो गया, फिर से वो रॉ नहीं हो सकता, फिर से आप उसको पहले की तरह कच्चा नहीं कर सकते, तो इट्स अ केमिकल चेंज। फ्रूट का पकना, देखो मैंगो कैरी, आम कैरी का आम बन जाना, तो वो केमिकल चेंज है। एक बार आम बना फिर से कैरी नहीं बन सकता। मिल्क एक बार कर्ड बना, दूध से दही बना, तो वो केमिकल चेंज है, फिर से वो दूध नहीं बन सकता। इवेपरेशन ऑफ वाटर, पानी का इवेपरेट होना, फिर से वाटर इवेपरेट होके वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर कंडेंस होके फिर वाटर बन सकता है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज, इवेपरेशन ऑफ वाटर फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, खाने का पेट में हजम होना, इट्स केमिकल चेंज। साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्ता बॉल, ठीक है, वो हम लोग जो कापुर और वो कापुर के जो बॉल्स रहते हैं नेफ्तलिन और कैम्फर, तो उसका जो रिडक्शन होता है साइज, वो जो एयर में वो ओपन रखने पर वो धीरे धीरे छोटा होता है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। नेफ्थलीन बॉल्स जो एक्सपोज होते हैं एयर में डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन प्रोसेस का नाम है, आपने 9th में पढ़ा होगा सब्लिमेशन, डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्ट्स टू गैसेस, तो उसको फिर रीगेन किया जा सकता है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। स्टेनिंग ऑफ शहाबादी और कड़प्पा टाइल्स बाय लेमन जूस अगर 7 बार स्टोन पर डालेंगे तो वो स्टेन दाग लग जाएगा उस पर, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज, फिर से वो मतलब एक बार वो केमिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, कांच की चीज़ें ऊपर से गिर के टूट जाएगी, तो फिर से आप उसको मेल्ड करके बना सकते हो, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। आई होप यू ऑल आर गेटिंग, ठीक है। सो ये एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, टेम्पररी चेंज, परमानेंट चेंज, रीगेन हो सकता है, फिर से वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है, एक बार कन्वर्ट हुआ तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगी फिजिकली वो वापस से रीगेन की जा सकती है, केमिकल चेंज जो एक बार चेंज हुआ फिर से रिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पेज पे यही है, नेक्स्ट। अच्छा ये है, हाँ दिस इज़ नॉट कैंसल्ड, ये है, मैंने गलती से इसको क्रॉस कर दिया है, ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट, ट्राई दिस apparatus, एक्सपेरिमेंट दिया है, ये एक्सपेरिमेंट स्कूल लैब में करना है, यू ऑल कैन डू इट इन स्कूल लैब, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन से ये टेबल कंप्लीट करना है, अगेन दिस इज योर स्कूल लैब वर्क, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट, तो ये कुछ क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट में एंड इट्स ओमिटेड, लेकिन इसका मेन टॉपिक मैं तुम्हें बता चुका हूँ पीछे, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, ठीक है।
फिजिकल चेंज उसको कहते हैं जो रिवर्सिबल होता है, जो टेम्प्ररी होता है और फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज एक बार ट्रांसफॉर्म हुआ तो फिर से रिफॉर्म नहीं होगा, मतलब वापस नहीं आ पाएगा, एक बार चेंज आ गया तो फिर से वो पहले की तरह नहीं हो सकता, इट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने ये जो मार्क किया है दिस इज अ आंसर क्वेश्चन, ये बन सकता है डिफाइन केमिकल रिएक्शन या व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन फॉर्म करके आंसर तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कुछ बॉन्ड बनते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, नए बॉन्ड की वजह से नया सब्सटेंस फॉर्म होगा और जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो चेंज हो जाएगा। कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड ब्रेक होने से सब्सटेंस बदल जाएगा और नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, जो सब्सटेंस ब्रेक होता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है, मतलब बदलता है, उसे कहते हैं रिएक्टेंट और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हें जल्दी और अच्छे से समझे। देखो Cu+4HNO3, ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। Cu copper+4HNO3, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, कॉपर HNO3 से रिएक्ट हुआ और बना कॉपर NO3 CuNO3 ट्वाइस, यानि पहले कॉपर अलोन था, कॉपर अकेला एक एलिमेंट था और HNO3 कंपाउंड था, अभी क्या हुआ कॉपर NO3 से रिएक्ट हो गया और CuNO3 ट्वाइस बना, प्लस 2NO2 बना, प्लस वाटर बना, यानि कुछ दो रिएक्टेंट रिएक्ट हुए और तीन नए प्रोडक्ट बने, दो रिएक्टेंट रिएक्ट हुए और तीन न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुए। आई होप समझा, नहीं समझा डोंट वरी, और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि जल्दी समझे। ठीक है, सपोज ये एग्जाम्पल CuSO4 कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्ट हो रहा है, जिंक से ZN, तो रिएक्ट होने के बाद जिंक सल्फेट बना प्लस कॉपर ZnSO4 प्लस Cu। देखो ये कंपाउंड था कॉपर सल्फेट, जिंक एक एलिमेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड पे जो है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, एरो के राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं, तो ये दो रिएक्ट हुए और प्रोडक्ट में नया कंपाउंड बना जिंक सल्फेट, नया कंपाउंड बना जिंक सल्फेट और एक अलग एक एलिमेंट बना कॉपर। ठीक है, यहाँ पे कॉपर कंपाउंड फॉर्म में था, कॉपर सल्फेट से बॉन्डेड कंपाउंड था, यहाँ पे कॉपर अलोन है, ठीक है, और जिंक यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे अलोन था, प्रोडक्ट साइड पे वो कंपाउंड फॉर्म में आ गया सल्फेट के साथ। ठीक है, तो दो इस यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड बना, यू ऑल गेट अंडरस्टैंड, तो लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट है, राइट साइड वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, बॉन्ड जिसके अंदर ब्रेकिंग होगी उसे कहते हैं रिएक्टेंट और जो नए बॉन्ड फॉर्म होंगे नया प्रोडक्ट बनेगा उसे कहते हैं प्रोडक्ट। सो वी हैव टू जस्ट बाय आर्ट, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं बाय न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, अभी बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ होती है, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, आ जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट, एरो के लेफ्ट साइड वाले, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन में उसे कहते हैं प्रोडक्ट। आई होप समझा, फिर एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल तुम रीड करके समझ सकते हो। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखो पहला हमने देखा केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिखा जाएगा साइंटिफिकली तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया। अब यहाँ देखो, यहाँ डेफिनेशन लिखा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन कंडेंस फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूले।
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन कंडेंस फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करने के तरीके को कहते हैं केमिकल इक्वेशन. तो ये केमिकल इक्वेशन है. रिएक्शन तो लैब में टेस्ट ट्यूब में होता है या नेचर में भी होता है रिएक्शन, ठीक है, ओपन में, नेचर में, एनवायरनमेंट में बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है. लेकिन उसको जो फॉर्मूला यूज़ करके बुक में नोटेशंस के साथ लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. रिएक्शन को फॉर्मूला यूज़ करके लिखा जाना इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. आई होप समझा. तो ये सेकेंड डेफिनेशन है. क्वेश्चन ऐसा आएगा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन या डिफाइन केमिकल इक्वेशन. सो दिस इज द आंसर, ठीक है. एग्जाम्पल साथ में तुम पढ़ सकते हो. फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हाउ आर केमिकल या शो द नोटेशन या व्हाट साइंस एंड नोटेशन आर यूज इन केमिकल इक्वेशन या हाउ आर केमिकल इक्वेशन रिटर्न. क्वेश्चन ऐसा आता है राइट, हाउ आर केमिकल इक्वेशन रिटर्न या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ. केमिकल इक्वेशन लेफ्ट साइड पे जो रहता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो इक्वेशन जो रिएक्शन में पार्ट लेता है. राइट साइड में जो रहता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, जो रिएक्शन से ऑब्टेंड होता है. दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एरो होता है, ठीक है. आखिर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है तो प्लस साइन डाला जाता है. अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच में प्लस साइन डाला जाता है. जो मैंने कहा वो सब यहाँ पे लिखा है, ठीक है. इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड वाइल प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑन राइट साइड. एरो हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट इज ड्रॉन इन बिटवीन देम. एरो जो किसकी तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ हेड करती है. एरो का मार्क प्रोडक्ट की तरफ, वो ड्रॉ बिटवीन उनके बीच में डाली जाती है. दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. एरो से पता चलता है रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में. इफ़ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर. आखिर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है यानी दो या तीन है, दो या दो से ज़्यादा है तो उनके बीच में क्या साइन रहेगी, प्लस साइन. उसी तरह से अगर प्रोडक्ट भी दो या दो से ज़्यादा है तो उनके बीच में क्या साइन रहेगी, प्लस साइन. मैं बताया यहाँ पे तुम्हें, ठीक है. लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट, दोनों के बीच में एरो जो रिएक्ट प्रोडक्ट की तरफ हेड करती होगी. आखिर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस साइन, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो प्लस साइन. आई होप समझ रहे तुम्हें. नेक्स्ट, फिर एग्जाम्पल दिया है, यही एग्जाम्पल को नीचे दिया है. CuSO4 प्लस ZN, दो रिएक्टेंट है दोनों के बीच में प्लस साइन. ZnSO4 प्लस Cu, दो प्रोडक्ट है दोनों के बीच में प्लस साइन. ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द फिजिकल स्टेट इंडिकेटेड इन द इक्वेशन. देखो अच्छे से समझ में आए इसके लिए फिजिकल स्टेट भी डाला जाता है. देखो यहाँ पे दिया है कॉपर सॉलिड स्टेट है, एस लिखा है ना, मीन सॉलिड. AQ लिखा है मतलब एक्वेस, एक्वेस मतलब पानी में घुला हुआ, डिजोल्व, डिजोल्व इन वाटर, एक्वेस, ठीक है. ऐसा ही कहीं पे भी L लिखा रहेगा, L मतलब लिक्विड. G लिखा है मतलब गैस, गैस के लिए दो मार्क रहते. ये अपर एरो जो दिख रहा है ये भी गैस इंडिकेट करता है. अपर एरो, एरो अपवर्ड मतलब इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है. और लिक्विड रहेगा तो स्मॉल एल लिखा होगा ऐसा ब्रैकेट में, और गैसेस के लिए जी भी लिखा रहता है और ऐसा अपवर्ड एरो. और प्रेसिपिटेट जो हैवी पार्टिकल है जो रिएक्ट नहीं होते उनके लिए डाउनवर्ड एरो रहता है प्रेसिपिटेट. मैं ढूंढ के बताता हूँ, इट विल बी देयर समवेयर. देखो यहाँ पे एल लिखा है, यू ऑल कैन गेट, एल मतलब लिक्विड, जी मतलब गैस. तो अपर एरो या जी लिखा है दोनों गैस के लिए. हाँ, ए क्यू मतलब एस, एक्वेस, एस मतलब सॉलिड. तो ये इंडिकेशन है, ठीक है. सो थर्ड पॉइंट सिंबल्स के बारे में कि कौन सा सिंबल क्या इंडिकेट करता है, ठीक है. जी, एल, एस, ए क्यू, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, देखो आकर हीट इवॉल्व हो रही है, आखिर रिएक्शन में हीट बाहर आ रही है तो एरो के ऊपर ट्राइंगल डाला जाता है. अगर हीट रिएक्शन में बाहर आ रही है, व्हेन द हीट इज़ गिवन, सॉरी, अगर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन को, रिएक्शन होने के लिए अगर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं,
तो एरो के ऊपर ट्राइंगल डाला जाता है या एच ई ए टी हीट लिखा जाता है, या तो ट्राइंगल डालेंगे या तो वर्ड्स में एच ई ए टी हीट लिखेंगे, अगर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे तो ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बाद में बताऊंगा एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। और अगर हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब रिएक्शन से हीट निकल रही है, तो पीछे प्लस हीट लिखेंगे। अगर हमें रिएक्शन करने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, यानी हमें बर्नर गर्म करके हीट देना पड़ रहा है, बर्नर ऑन करके हमें टेस्ट ट्यूब गर्म करना पड़ रहा है एक्सेट्रा, तो एरो के ऊपर ट्राइंगल शेप रहेगा, दैट इज़ हीट सिंबल, या एच ई ए टी हीट भी लिख सकते हैं। और अगर हीट रिएक्शन से बाहर आ रही है, तो ऐसा पीछे एच ई ए टी हीट लिखेंगे, पीछे प्लस डाल के, ठीक है। सो दिस इज़ माई फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल सर्टन, देखो कुछ कुछ रिएक्शंस, फिफ्थ पॉइंट डायरेक्ट बता देता हूँ, कुछ कुछ रिएक्शन अपने आप नहीं होते, या कुछ कुछ रिएक्शन स्लो रहते हैं, उनको फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट देना पड़ता है। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन उसके प्रेजेंस से रिएक्शन स्पीडअप हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन कभी कभी रिएक्शन दे करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, या प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, या कैटलिस्ट। तो ऐसी सब चीज़ें हमें एरो के नीचे या ऊपर हम लिख सकते हैं, एरो के नीचे भी या ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं। दिस कंडीशन आर इंडिकेटेड बिलो और अबाउ द एरो, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में आई कैन शो यू, देखो यहाँ पे 60 डिग्री टेम्परेचर और NI कैटलिस्ट है, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वनस्पति घी बन रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो निकल कैटलिस्ट है NI, और 60 डिग्री का टेम्परेचर अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट, तो ये सिक्स फिफ्थ पॉइंट है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, स्पेशल इन्फॉर्मेशन और नेम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड द फॉर्मूले, फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। देखो जो भी उसके स्पेशल नाम, रिएक्टेंट के नाम हम लोग नीचे लिखेंगे, और उनका आखिर वो कॉन्सेंट्रेटेड है डाइल्यूट है, वो सब भी नीचे लिखा जाएगा। हम लोग CU के नीचे कॉपर लिखेंगे, HNO3 के नीचे हम लोग नाइट्रिक एसिड लिखेंगे। अच्छा, वो नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, वो भी लिखा जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में फ़र्क बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ज़रूर उनके मन में रहेगा, लेकिन पूछ नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब में रिकॉर्ड में कैसा पूछेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब स्ट्रांग, डाइल्यूट मतलब लो पावर। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब देखो, आखिर मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, तो मैं जैसा है वैसा उसको ओरिजिनल यूज़ करूँगा। अगर मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट करना है, तो मैं उसमें पानी मिक्स कर दूंगा, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। आई होप समझा। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर, एकदम शुद्ध। डाइल्यूट मतलब उसमें पानी को मिला के उसका पावर कम किया गया है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ये कम स्ट्रांग है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा स्ट्रांग है। डाइल्यूट मतलब लेस स्ट्रांग है। आई होप समझा। तो दिस इज़ द आंसर। हाँ, अभी मैंने जो बताया, वॉट आर द हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन रहेगा, या वॉट आर द मैथड यूज टू राइट केमिकल इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर विथ 5 पॉइंट्स, सॉरी 6 पॉइंट्स। या वॉट नोटेशंस डू अ केमिकल इक्वेशन शोज, तो तुम इसमें से ये 6 पॉइंट्स तुम्हें आंसर के फॉर्म में बनाकर लिखने हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट रिमेनिंग पेज, पेज नंबर 33 का रिमेनिंग पेज निकाल दिया गया, रिड्यूस किया गया फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट पेज नंबर 34, आई एम ऑन पेज नंबर 34, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसा करते हैं, तो मैं चैप्टर के एंड में तुम्हें बैलेंस करने सिखाऊंगा, और बैलेंस करके दिखाऊंगा, एक नहीं कम से कम 10, कम से कम 5, सॉरी 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 इक्वेशंस मैं तुम्हें बैलेंस करके दिखाऊंगा। आई होप अब तक का तुम्हें समझा जो जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, आई एम ऑन पेज नंबर 35, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन 4 टाइप के रहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा रहता है, वॉट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन रहते हैं, मैंने तुम्हें बताया, ठीक है।
और वो डिपेंड करता है रिएक्टर और प्रोडक्ट के नेचर पर, नेचर एंड दी नंबर ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट, उस पर डिपेंड करता है. देर आर फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब क्वेश्चन ऐसा बनता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो आंसर है, सिंपल मैं आंसर बता रहा हूँ, जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट बनेगा. व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन केमिकली टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नहीं समझा? रुको, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ. देखो एग्जाम्पल, NH3 प्लस HCl दो रिएक्टेंट है, एक NH3 है दूसरा HCl है. जब वो रिएक्ट हो रहा है तो आफ्टर एरो यू कैन सी NH4Cl, एक ही प्रोडक्ट है. दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अदर एग्जाम्पल ले लो, MgO2, Mg प्लस O2, Mg और O2 दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट बना MgO, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डिफिनेशन बहुत सिंपल है. क्या डिफाइन में लिखोगे? वेन टू रिएक्टेंट कंबाइन. देखो लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, राइट वाले को प्रोडक्ट, अभी हमने पढ़ा, ठीक है. तो जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, दो नहीं बोलना है, ऐसा लिखना है. वेन टू और मोर रिएक्टेंट, थ्री भी हो सकता है, थ्री रिएक्टेंट भी रहेगा और कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉम्बिनेशन. चार रिएक्टेंट है, चारों कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो हम लोग उसका डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे. देखो यहाँ दिया है डेफिनेशन, सॉरी मैंने देखा नहीं था, यहाँ है, मैं कब से उसको ही सर्च कर रहा था, अभी दिखा. व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके, रिएक्शन में कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई होप समझा, ठीक है. सेकेंड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, देखो दो दो एग्जाम्पल बाय ऐड करना ही है, ठीक है. तो ये तो बहुत सिंपल है, तुम इजिली बाय ऐड कर सकते हो. Mg+O2, 2Mg+O2, 2MgO. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होके बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2Mg+O2, एरो 2MgO. ये एक सिंपल है जो तुम इजिली बाय ऐड कर सकते हो. ये भी वैसे बहुत सिंपल है, NH3 अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. तो दो एग्जाम्पल करो कोई भी तीन में से, क्वेश्चन ऐसी आएगा, डिफाइन या व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. तो स्टेट डिफिनेशन लिखना है ये, और फिर ये दो एग्जाम्पल लिखकर एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन में शॉर्ट में इतना लिखना है, When magnesium react with oxygen, magnesium oxide is formed. ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है, मत लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो. When magnesium react with oxygen, magnesium oxide is formed. और ये रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. रिएक्शन लिखो और स्टेटमेंट लिखो, हो गया. नेक्स्ट, फिर ये कुछ अच्छा, ये एग्जाम्पल वैसे ये सब ओमिट किया हुआ है, लेकिन ये ग्लूकोज का देख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा सेकेंड टॉपिक, मैं पहले सेकेंड टॉपिक बताता हूँ फिर ये बताता हूँ, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. देखो सेकेंड टाइप का रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. पहला कॉम्बिनेशन था, दूसरा है डीकम्पोजिशन. जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जब एक रिएक्टेंट है ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, इट इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. स्टेटमेंट यहाँ दिया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन. इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा एक रिएक्टेंट से, ठीक है. जब एक रिएक्टेंट स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, वही यहाँ लिखा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, CaCO3, ऑल राइट, ब्रेक होके बना CaO प्लस CO2, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना. थर्ड एग्जाम्पल देख लो, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ब्रेक होके क्या बना, वाटर और ऑक्सीजन, 2H2O प्लस O2. गेटिंग? वेरी इजी. अब ये भी डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है. अगर तुम शक्कर को गर्म करोगे तो क्या होगा, ठीक है, शुगर को अगर तुम हीट करोगे तो ये बनेगा 12 कार्बन प्लस
यहाँ पे देखो शुगर यानी ग्लूकोज, शुक्रोज, शुगर यानी शुक्रोज, C12H22O11 उसका फॉर्मूला है शुगर का, ठीक है। जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, एक रिएक्टेंट था दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट 12 कार्बन और 11H2O, 11 वाटर, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आई होप समझा। तो दो हो गए, पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या था, वेरी सिंपल, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बन रहा है, इस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है एक रिएक्टेंट से, जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होके स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आई होप समझा। देखो ये डिस्टिंग्विश में भी आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन, तो दोनों का डिफाइन लिखना है और दो दो एग्जाम्पल लिखना है, हो गया। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव आयन है वो लेस रिएक्टिव आयन का प्लेस चेंज कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट जगह चेंज करना, डिस्प्लेस जगह चेंज करने वाला मतलब जिसमें जगह प्लेस चेंज होती है। अब प्लेस किसकी चेंज होती है, जो मोर रिएक्टिव आयन रहता है वो लेस रिएक्टिव आयन को डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसको उसकी जगह हथिया लेता है, ठीक है, इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो साइंस को फन बना के पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, और साइंस को बोरिंगली पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अभी देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल दिया है, अब मैं इसको और ब्रैकेट्स दिया मतलब एम्प्टी स्पेस दिया है, तुम्हें फिलअप करना है। अब कॉपर और Fe में Fe ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, CuSO4 और Fe में Fe ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो Fe क्या करता है, कॉपर की जगह, कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह पे फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाता है FeSO4 आयन सल्फाइड, फेरस सल्फेट भी बोलते हैं इसको, FeSO4, ठीक है, ऑलराइट। प्लस क्या बचेगा आपको, Cu, मैंने बैलेंस नहीं किया सिर्फ समझा रहा हूँ, ऑलराइट। तो Fe ने Cu का प्लेस ले लिया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लोकल लैंग्वेज में ईजिली समझना है तो समझ लो, ये हस्बैंड ये वाइफ थी, समझ लो ये दोनों मैरिड कपल थे, और ये बाहर से आया, इसने इन लोग का रिश्ता ख़राब किया और ये हस्बैंड को हटा दिया और खुद हस्बैंड बन गया, इसने इन दोनों का डिवोर्स करवा दिया और खुद शादी कर ली, ऐसा कुछ, ठीक है। समझने के लिए, याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस चेंज हुई, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, ऑलराइट। डेफिनेशन में यही लिखा है, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह को कौन ले लेता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले लेता है उसकी जगह, ठीक है, और नया कंपाउंड फॉर्म होता है और उसको डिस्प्लेस कर देता है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड भी तुम देख सकते हो, Cu और Pb मोर रिएक्टिव है लीड, तो लीड SO4 की जगह, लीड Cu की जगह ले लेगा और Cu को अकेला कर देगा, आई होप समझा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों पार्टनर चेंज करेंगे, सिंपल। डबल डिस्प्लेसमेंट समझना है तो सिर्फ इतना समझ लो, दोनों पार्टनर चेंज करेंगे, ठीक है। द रिएक्शन इन विच द आयन्स इन द रिएक्टेंट, आयन्स दोनों के आयन्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आयन एक्सचेंज हो जाएंगे ताकि प्रेसिपिटेट बने, यानी मोर सेचुरेट कंपाउंड बने, इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मैं एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल पेज नंबर 33 पे दिया है, एग्जाम्पल मुझे ढूंढना पड़ा, वहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया है, समझाने के लिए आई एम यूजिंग द एग्जाम्पल। AgNO3 है, Ag और NO3 बॉन्ड में है, और Na और Cl बॉन्ड में, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे AgNO3 और NaCl है, प्रोडक्ट में देखो AgCl और NaNO3, यानी Ag ने Na ने Ag को रिप्लेस कर दिया और Ag ने Na को रिप्लेस किया, Ag Na की जगह पर आ गया और Na Ag की जगह पर चला गया, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो NaCO3 ने Cl को रिप्लेस किया, ऐसा भी बोल सकते हो,
ठीक है, देखो एजी पहले एजी एनओ थ्री के साथ बॉन्ड में था, अभी प्रोडक्ट में एजी सीएल के साथ बॉन्ड में है, यानी ये सीएल एनओ थ्री की जगह पर आ गया और एनएसीएल था तो एनएस एनओ थ्री बन गया, यानी दोनों ने पार्टनर चेंज कर लिए। ठीक है, आप उसको वेडिंग में जो बोलना है बोलो, समझने के लिए बोल रहा हूँ। एजी एनओ थ्री के साथ था, सीएल ने एनओ थ्री को रिप्लेस कर दिया और वो बन गया एजीसीएल। एट द सेम टाइम एनएसीएल के साथ था लेकिन एनओ थ्री ने सीएल को रिप्लेस करके बन गया एनए एनओ थ्री। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही जन पार्टनर, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों का पार्टनर चेंज हो रहा है, आई होप समझ रहा है, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी डिस्टिंग्विश में पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मुझे पेज नंबर 33 पे मिला, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है BASO4 और K2CR2O4 का, लेकिन ये तुम्हें करने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल है याद रखो, एक्सो मतलब भार, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब भार। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो रिएक्शन को हीट देनी पड़ेगी, जो रिएक्शन को रिएक्शन करने के लिए बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो रिएक्शन हो, मतलब उसको अंदर हीट डालनी पड़ेगी, एंडो, इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें रिएक्शन में हीट बाहर आएगी, हीट इवॉल्व होगी, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब में दो रिएक्टेंट लिए लेकिन वो मिक्स ही नहीं हो रहे, मतलब रिएक्ट नहीं हो रहे, तो मैंने उसको बर्नर पे गर्म किया तो रिएक्शन हुआ, तो मैंने हीट सप्लाई की, तो इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमें हीट देनी पड़ेगी उसको। और जो रिएक्शन में हीट बाहर आ रही है, ठीक है, इट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो यहाँ पे डेफिनेशन देखते क्या है। हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस, कुछ फिजिकल चेंज होते वक्त हीट बाहर से अंदर जाती है, बाहर से हीट, बाहर की हीट अंदर जाती है, एब्जॉर्ब होती है, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑलराइट, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ को पिघलने के लिए जो नेचर की सराउंडिंग से हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है। और एक्सोथर्मिक में क्या है, रिएक्शन कर रहे हैं और हीट बाहर आ रही है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्ट होगा तो वो गर्म हो जाएगा वाटर। ठीक है, मतलब उसमें हीट इवॉल्व हो रही है, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, मीन्स कमिंग आउट, बाहर आएगी। ठीक है, इसको हीट बाहर से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट अंदर जाएगी, एंडोथर्मिक। आई होप समझ रहा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन, हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज, हीट इज गिवन अवे, कुछ फिजिकल प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है, ठीक है, गिवन अवे, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर पेज नंबर 39 पे प्रॉपर दिया है, वहाँ पे प्रोसेस फॉर्म में दिया है, यहाँ रिएक्शन में दिया है। देखो, देर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट इन केमिकल रिएक्शन एज वेल, अकॉर्डिंगली सम केमिकल रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक वाइल सम अदर आर एंडोथर्मिक। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज गिवन अवे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, हीट इज गिवन अवे या हीट इज गिवन आउट, आउट भी लिख सकते, हीट इज गिवन आउट, वाइल वेन रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू प्रोडक्ट, वाइल ड्यूरिंग एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक के टाइम क्या होगा, वाइल ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, और हैज़ टू बी सप्लाइड कंटिन्यूस फ्रॉम आउटसाइड, हीट को बाहर से अंदर सप्लाई करना पड़ेगा, एंडोथर्मिक, हीट बाहर आएगी अंदर से, एक्सोथर्मिक। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल दिया है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा CaOCO2, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड पे हीट लिखा है, या तो आप यहाँ ट्राइंगल भी बना सकते हो, मैंने पीछे बताया। ठीक है, और सेकेंड क्या है, एक्सोथर्मिक CaCO प्लस वाटर के साथ CaCO को रिएक्ट करेंगे तो CaOH2 प्लस हीट, हीट इवॉल्व होगी, बाहर आएगी। ठीक है, तो ये पेज पे बाकी सब तो ओमिट है, सिर्फ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के डेफिनेशन है, आई होप समझ रहा है। ठीक है, मैं बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा है एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है,
उसके बाद मैंने बताया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन। उसके बाद मैंने बताया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हमने किए कैसे लिखे जाता है केमिकल इक्वेशन, कैसा लिखा जाता है, उसके जो 6 पॉइंट है हमने वो किए, 6 पॉइंट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है, राइट साइड पे प्रोडक्ट है, वो सब चीज़ें, ठीक है। रिएक्टेंट के भी अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो बीच में प्लस साइन आएगी, उसी तरह से एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो बीच में प्लस साइन आएगी, वो सारी चीज़ें। फिर एरो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो रहता है, आकर हीट सप्लाई हो रही तो ट्राइंगल डालेंगे या लेफ्ट साइड पे हीट लिखेंगे, आकर हीट इवॉल्व हो रही है तो राइट साइड पे लिखेंगे प्रोडक्ट साइड पे, ये सब हमने पढ़ा। फिर उनके इंडिकेशन सिंबल, यानी जी एल एस सॉलिड है तो स्टेट्स, उसका कंडीशन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वेस है। फिर वो गैस के लिए अपर एरो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा कैटलिस्ट क्या होता है, उसके बाद कैटलिस्ट और जो भी है, उसके बाद हमने 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन किए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, 1 रिएक्टेंट ब्रेक होके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, 1 रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। डिस्प्लेसमेंट, जगह बदली होगी एक की, ठीक है, पार्टनर चेंज होगा लेकिन एक का। डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों पार्टनर चेंज करेंगे। 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने टॉपिक देखा एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है। अगर तुम समझ रहे हो तो तुम्हें स्पॉट पे बाय हार्ट भी होते जाएगा, तो उसको मेरे साथ बाय हार्ट करने की कोशिश करो, जस्ट बाय हार्ट इट। ऑलराइट, सो आई एम स्टॉपिंग ऑन पेज नंबर 39। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 39। ऑलराइट, तो अभी नेचर है, साइज है और भी 2-4 पेजेस बचे हैं। आई होप ये वीडियो भी समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पूरा वीडियो देखो। शॉर्टकट में देखोगे कुछ फ़ायदा नहीं है, 50-50 वो मतलब ही नहीं, यूजलेस है, आधा समझा आधा नहीं समझा। पूरा वीडियो स्टार्ट टू लास्ट देखो। मैं कुछ चीज़ें रिपीट करता हूँ तो जो भी रिपीट होता है उससे तुम्हारा रिविजन होगा और वो तुम्हारे लिए और स्ट्रांग होगा, ठीक है, वो पॉइंट तुम्हारे लिए और स्ट्रॉन्ग कन्फर्म हो जाएगा। आई होप वीडियो समझा होगा। अच्छा समझा है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो स्पेशली विथ ऑल योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, थैंक यू।